वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ ऑफ शालिनी। अभी मैं हूँ बनारस के TFC में। अब TFC क्या है? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, जिसे हम हिंदी में हस्तकला संकुल भी कहते हैं। वैसे तो बहुत पहले मुझे ये वीडियो बना लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हूँ। अभी पीछे आप ये स्टैचू देख रहे हैं, यहाँ ऐसा लग रहा था कितना सुकून मिल रहा है, बहुत पीस था यहाँ पर, काफ़ी मेडिटेटिव फील हो रहा था मुझे। पीछे कुछ आष्टांगिक मार्ग लिखे हुए हैं, कुछ आइडियल और यूनिवर्सल लॉज हैं जिसको लाइफ में फॉलो करने चाहिए। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह बन गई जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कुछ अभी देखने के लिए भी है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडमेड चीज़ें, बनारस की जो ऑथेंटिक चीज़ें उन्हें खरीद सकते हैं। शुरू होते ही थक गए, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ म्यूज़ियम भी देखने लायक है, लेकिन उससे पहले हम म्यूज़ियम देखें। आइए आपको बनारस का रोपवे मॉडल दिखाते हैं। ये वाराणसी का रोपवे मॉडल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे स्टेशंस रहने वाले हैं, जो रोपवे भी बनने वाला है, जो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। स्टेशन ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, अब कब से स्टार्ट होगा रोपवे नहीं पता, जिसमें से कि आपका ये वाराणसी स्टेशन से शुरू होकर विद्यापीठ स्टेशन पर आएगा, फिर रथ यात्रा स्टेशन पर आएगा, फिर ये टेक्निकल स्टेशन से गो थ्रू होकर आपके गुदौलिया स्टेशन पे पहुंच जाएगा। ये चीज़ें हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं साफ साफ। काशी विश्वनाथ मंदिर भी आपको यहाँ इसमें दिखाया गया है। ये रहा ये दशाश्वमेध घाट, ये गंगा मैया और ये पूरा बनारस। पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ पे चार फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम चल रहे हैं म्यूज़ियम के पास। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी हैं जहाँ से आप यहाँ के टेक्सटाइल और डिज़ाइनिंग, हैंडलूम वाली चीज़ें खरीद सकते हैं। अंदर एग्जीबिशंस हॉल है जहाँ पे कुछ इवेंट्स प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अभी हमें म्यूज़ियम का रास्ता बताया गया कि बाहर से निकल के लेफ्ट साइड मुड़ के कहीं आगे जाना है। हाँ तो भैया जी, पता ये चला है ना कि ये दीन दयाल जी के नाम से है TFC और हस्तकला संकुल के अलावा दीन दयाल हस्तकला संकुल पूरा नाम है इसका। अभी हम म्यूज़ियम में चल रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मोटो यहाँ आपको म्यूज़ियम दिखाना ही है, क्योंकि बनारस को आप और अच्छे तरीके से जान पाएंगे और करीब से जान पाएंगे और चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ की जो एंशिएंट चीज़ें हैं ना, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें, वो सब आपको अंदर देखने को मिलेगा। शायद हम पहुँच गए, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा कि शायद हम म्यूज़ियम के पास आ चुके हैं। काफ़ी दूर था यार, मतलब काफ़ी दूर पैदल चलते हैं। आइए चलते हैं। हमें ये एक ऑडियो डिवाइस मिली है जिसको कान में लगाना है, और एक ये ऑपरेटर। इस वजह से क्या है कि इसे इस चीज़ की नंबरिंग की हुई है, 4 लिखा हुआ है। आपको 4 ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो आपको यहाँ से 4 प्रेस करना होगा। 4 प्रेस करने के बाद प्ले बटन पे प्ले करने पे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने लग जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है। ये कुछ मॉडल्स लगा गए हैं बनारस, ब्रोकेट कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक्चुअल में है कि ग्रीस, चाइना, कोरिया के लोग, वहाँ पे जो रॉयल फैमिली के होते हैं, शाही परिवार के लोग होते हैं, वो लोग महंगा होता है और इस पर बहुत धातु, मतलब महंगी धातु एंड कारपेट। आपको एक साइड पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के रग्स एंड कारपेट मिल जाएंगे, और बहुत क्रिएटिव रग्स और कारपेट से, जिसमें कि किसी में घुड़सवारी करता हुआ कोई बना हुआ है, किसी में कुछ अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं। इस गैलरी में हमें बेसिकली वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही को हाईलाइट किया गया है।
फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट, अभी सेकेंड फ्लोर में आई, देखते हैं क्या है। लस्सी वाले की पूरी लस्सी यहाँ पे, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, चाय, लक्ष्मी चाय, ओह माय गॉड, पान, साड़ी, गोदौलिया बाजार, मार्केट, पूरा बनारस है इस दीवार में ना। ऐसे कपड़े वाली चीज़ें हो तो इंटरेस्ट आ ही जाता है। कितने प्यारे अटायर्स हैं यार, ये देखो हाउ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। खरीदना अलाउ नहीं है, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाती शायद, बहुत महंगे होंगे। बाय द वे ये वाराणसी का मैप यहाँ पे है, वाराणसी लीला के कुछ ग्लिम्सेस हैं यहाँ पे, जिसके लिए आई गेस ये मुखौटे वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। कुछ एक्चुअल ग्लिम्सेस फोटोज़ हैं जो हर साल रामनगर की रामलीला होती है, काफ़ी लोग देखने जाते हैं। चुनार एरिया से लाया गया है। चुनार में ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ की मिट्टी होती है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप जो देख रहे हैं ना, इस पर कोई पेंट नहीं है, ये ना और सेरेमिक पॉट्स जो होते हैं, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें मैग्नीशियम और फेल्सपार मिलाया जाता है, उसको मिला के ये बनाया गया। कितने खूबसूरत है, आप देखिए इसको। ये देखिए कुछ लाख की चूड़ियां हैं, बहुत कलरफुल, वाइब्रेंट, बहुत ब्यूटीफुल चूड़ियां हैं। और कुछ होम डेकोर काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो यूकेलिप्टस की लकड़ियों से बनी हुई हैं। और द बेस्ट थिंग इज़ अबाउट कि ये काफ़ी आई कैचिंग है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर की दिखाई दे रही है। देखो आप अगर बैकग्राउंड में देखो तो इतनी दूर से भी काफ़ी सुंदर खूबसूरत लग रही है। और लाख की चूड़ियों एक बार पहनने का तो लाइक विश लिस्ट में, आई डोंट नो मुझे कब वहाँ जाना होगा, लेकिन हाँ बहुत खूबसूरत है। अभी हम हैं थर्ड फ्लोर पे और यहाँ पे GI टैग वाला सेक्शन है। GI टैग किसी भी प्रोडक्ट पे लगता है जिससे कि आप उसके ज्योग्राफिक और उसके ओरिजिन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसके रेपुटेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन और उसकी ऑथेंटिसिटी का जिससे आइडिया लगता है उसी को हम GI टैग कहते हैं। तो चलिए ये रहा म्यूज़ियम, बाकी और चीज़ें देखते हैं उसके बाद निकलते हैं। ये एरिया देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है कोई, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे साउंड बॉक्सेस लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है, ऐसा कुछ होता होगा शायद। ओके सो टिकट की प्राइस है पर पर्सन इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ और 80 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स जो आउट ऑफ इंडिया से आए हैं उन लोगों के लिए। ओके गाइज, सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। कॉमेंट में जो भी पूछना हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।